सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अभिमन्यु जी और आप देखो प्यारा सा यूट्यूब चैनल अभिमन्यु जी। गाइज आपको बता दें कि अभी हम अपने हाजीपुर शहर में करीबन घर से 5 किलोमीटर दूर है और आपको लोकेशन बता दें, अभी बन एंड बन में पहुंचे हुए हैं और फूड ब्लॉग तो मतलब कि आधा उधा नहीं है, मतलब कि नॉर्मल बता देंगे। बढ़िया आपको मिल जाएगा यहाँ पे बर्गर खाने का और बहुत सारा वैरायटी बर्गर का होता है, आप लोग आइए खाकर देखिएगा। और बाकी हम लोग आपको अभी टेस्ट भी बताएंगे, अभी ऑर्डर जो किया बर्गर वो सब बर्गर का टेस्ट बताएंगे खाकर का। और आप लोग आइए और टेस्ट करिए और लोकेशन आपको बता दें, तो लोकेशन आपको यादव चौक सिटी कार्ड के बगल में बन एंड बन है, मतलब यादव चौक पे ही है, कोना में ही है, अंदर में फर्नीचर की दुकान के पीछे में है। और आपको अभी बन एंड बन का अंदर का रिव्यू खा कर दिखाएंगे बर्गर का। ठीक है, अपना आ गया है बर्गर, चार बर्गर है, दूध करी है। हम मुंह में डालिए डालिए, खोलिए खोलिए ना, देखते कैसा बना है। जो ठीक है एकदम बिजोड़ है था। डीजे रवि जी इधर में भी है ये सब, जब इसको उल्टा खोल लिए है देखिए काफी बिजोड़ लग रहा है, जे भी है मतलब अच्छा लग रहा है, बिजोड़ उजोड़ कुछ नहीं होता है, अच्छा लग रहा है। इसका अंदर का मटेरियल खोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, जो भी है खा के टेस्ट आपको बताते कैसा लग रहा है। जो दो दो माउंटेन ड्यू एक स्ट्रिंग और एक थम्सअप है, आपको यही चाहिए? हाँ हम यही पियेंगे। टेस्ट कैसा लगा जी आज बताइए? बहुत ही जबरदस्त, पहली बार खाए जीवन में, पहला बार हंसी मर रहा है, पहला बार खाए। बताइए बर्गर बताइए कैसा लगा टेस्ट, एकदम मता हिला दिया, मतलब बिजोर है। आज अभी हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। जो देखिए मतलब किसका साइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर से कौन उसे आता है ना मैकडॉलर का, पता नहीं कौन कौन सा कंपनी का आ रहा है आजकल बर्गर उर्गर छोटकर बर्गर, लेकिन बिजोर लग रहा है। हम खा के बताते हैं आपको, बिजोर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट भी अमेजिंग है। आप लोगों ने समझेगा कि ठेला पर जब 15-20 रुपये में बर्गर खा लेते हैं वैसा टेस्ट उठ नहीं है, ये इसका टेस्ट अलग है। आप लोग आइए, थोड़ा महंगा है लेकिन रेस्टोरेंट का ही है तो रेस्टोरेंट में आप लोग जानते हैं कि महंगा चीज़ ही रहता है। अब बस सोचेगा कि 5-10 रुपये वाला बर्गर खा ले ठेला वाला स्टाइल में तो ऐसा होने वाला नहीं है। देख सकते इसका साइज भी और इसका क्वालिटी भी और इसका टेस्ट भी आपको बता रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट खाने में। बिना सॉस के खा रहे, सॉस रखेंगे तो और भी उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप लोग एक बार आइए बन एंड बन में, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लोकेशन भी बता दिए हैं, आप लोग विजिट करिए दुकान में, भैया से भी बात करेंगे, शॉप के बारे में बताएंगे। इसका शॉप का ओपनिंग हो गया करीबन 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 2 या 3 महीना हो रहा है, लेकिन हम तो पहली बार इसमें आए, अभी टेस्ट कर रहे हैं इसका बर्गर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉस देख लीजिए, पता नहीं क्या रुपया का सॉस है लेकिन सॉस है, बढ़िया सॉस है, इस पर डाल बिजोर कैसा लग रहा है बताइए। मैं माथा हिला देते बार बार, कैमरा इधर घुमाइए ना इनको बार, कैसा लग रहा है एक बार बताइए, एकदम माथा हिला देते जगह फर्स्ट क्लास। स्ट्रिंग के साथ आप लोग बर्गर खाइए और भी मजा आ जाएगा। इसमें अल्कोहल है ना, इसके मतलब कि पीने के बाद ही मतलब कि समझिए कि देहाती दारू है, चुहाट मतलब कि हम लोग के देसी भाषा में कहते हैं महुआ चुहाट जो भी हो, उसका स्वाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद सॉस से ऊपर से इसमें पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर रखा हुआ है, उतना तो नॉलेज नहीं है, इतना पता है कि बर्गर है स्ट्रिंग है, मज़ा आ रहा है। गाइस फाइनली बर्गर खाओ के सब कुछ खत्म हो गया, बिल पेमेंट कर दिए हैं, टोटल बिल मतलब लगभग वही 150-200 रुपया हुआ था। और अभी भैया से बात करते हैं कुछ इनके शॉप के बारे में। भैया अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। विक्की कुमार। विक्की जी भैया, मतलब कि आपका शॉप का लोकेशन सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि अगर व्यूअर लोग आते हैं तो खोजेंगे आपका शॉप कहाँ पे है। ये हमारा शॉप है यहाँ यादव चौक सिनेमा रोड दाना पानी के बगल में नियर। दाना पानी मतलब कि लोग दाना पानी तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, मतलब कि यहाँ के
मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट है यहाँ के, मतलब कि खाना उना के लिए लोग आते खाते हैं। और आपको मतलब पूरा बेसिक डिटेल दे देंगे। देखिए आगे फर्नीचर दुकान है यादव चौक के पास में, आप लोग उधर से सीधे में अंदर आएगा, दाना पानी का एक रास्ता है, अंदर रहिएगा, आप लोग देखिएगा दाहिना साइड में बने बने आगे में छोटा सा बैनर भी लगा हुआ है, बने बन का अंदर में आइए और आप लोग टेस्ट करिए कैसा बर्गर का स्वाद है। और नॉर्मल आप लोग ठेला पर खाएंगे 5-10-15-20 वाला बर्गर, लेकिन उसमें होता है कि सब होता है ना लहसुन प्याज सब मिला उला के भर के दे दिए, आप लोग खा लिए पता नहीं चला। लेकिन आप लोग आइए एक बार ये बर्गर बन में और टेस्ट करके देखिए कैसा है। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, और पेज पर देख रहे हैं फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो है। और आप लोग एक बार विजिट करिए हाजीपुर में बर्गर बन में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।